फ्रेंड वेलकम टू बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। इन द बिजनेस एनवायरनमेंट पार्ट 3 आई विल डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या इम्पॉर्टेंस होते हैं? तो पहला इम्पॉर्टेंस डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। द इंटरेक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट वुड आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर द थ्रेट्स टू द बिजनेस एंड इट हेल्प्स टू बिजनेस इंटरप्राइजेस फॉर मीटिंग द चैलेंजेस सक्सेसफुली। जितने प्रकार के थ्रेट्स होते हैं, मतलब जो इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में, उस चेंजिंग के दौरान जो उस चैलेंजेस को रैपिडली अडॉप्ट कर लेता है जो कंपनी, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये इम्पॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट है गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। हम इस बदलते हुए सिचुएशन में किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये इम्पॉर्टेंस होता है कि वो उसके लिए, उस बदलते हुए सिचुएशन के लिए कौन सा डायरेक्शन दे जिससे कंपनी का ग्रोथ हो सके, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो सके। द इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट लीड्स टू ओपनिंग अप न्यू फ्रंटियर्स ऑफ ग्रोथ फॉर द बिजनेस फर्म्स। इट इनेबल द बिजनेस टू आइडेंटिफाई द एरियाज फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द देयर एक्टिविटीज। इस अगर कोई सिचुएशन ऐसा चेंज होता है जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है, उस सिचुएशन में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उस एरियाज को आइडेंटिफाई करता है जिस एरिया में इस तरह का कोई चेंजिंग नहीं है, उस एरिया को आइडेंटिफाई करके उसमें ग्रोथ करने का और उसमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का प्रयास करता है। कंटिन्यूअस लर्निंग एनवायरमेंटल एनालिसिस मेक्स द टास्क ऑफ मैनेजर्स इजियर टू डीलिंग विद द बिजनेस चैलेंजेस। जो बिजनेस एनवायरमेंट में चेंजेस होते हैं ये किसी भी कंपनी के लिए एक चैलेंज होता है, किसी भी मैनेजमेंट के लिए चैलेंज होता है, इसलिए मैनेजमेंट को आसानी होती है ऐसे ढेरों सारे ऐसे सिचुएशन में मैनेजर्स वर्क करते हैं, मैनेजमेंट अपना डिसीजन लेता है जिससे उसका एक्सपीरियंस इम्प्रूव होता है और मोटिवेट करता है अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को, जिससे कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव कर सके। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एवरी बिजनेस इंटरप्राइजेस हैज सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। हर एक इंटरप्राइजेस, हर एक कंपनी अपना एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव हर फाइनेंशियल ईयर में फिक्स करता है, चाहे वो इंफोसिस हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे टाटा हो, जितनी भी कंपनी हैं एंड रेगुलेट एंड जनरेट इट्स एक्टिविटीज, और उसी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग वो अपने एक्टिविटीज को भी रेगुलेट करती है, जनरेट करती है। ऑब्जेक्टिव्स आर नीडेड इन एवरी एरिया वेयर परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स डायरेक्टली अफेक्ट द सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में बिजनेस इज बेसिकली एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आप जानते हैं इससे बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपने पढ़ा होगा, कुछ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ा होगा। तो हम बिजनेस स्टडीज़ में सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं जिससे हम कुछ ना कुछ अर्न करते हैं और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं। देयरफॉर इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स और इकोनॉमिक इन नेचर। द मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आर एज फॉलो, अर्निंग प्रॉफिट। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे जो फर्स्ट मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। नेक्स्ट होता है क्रिएटिंग कस्टमर्स, अपने कस्टमर को, कस्टमर नंबर ऑफ कस्टमर्स को इंक्रीज करना। नेक्स्ट होता है इनोवेशन, वो तरह तरह के इन्वेंशन करता है जिससे कि उसके कंपनी की जो क्रेडिट है, गुडविल है, वो बनी रहे। इनोवेशन की बात करें तो देखिए इस समय का सिचुएशन, जो इन्वायरमेंट चेंजेस हुआ है, जैसे कोरोना डिजीजेस से सारे कंट्री
अफेक्टेड है। इस सिचुएशन में भी अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल ऑनलाइन क्लासेस, तो ये ऑनलाइन क्लासेस चलाने का ये एक इनोवेशन है कि हम ऐसी बदलती परिस्थितियों में भी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसे वो अपना घर बैठे अपना स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम उस बदलते हुए परिस्थितियों को अडॉप्ट करें। नेक्स्ट, सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें, सोशल ऑब्जेक्टिव, बिजनेस डज नॉट एग्जिस्ट अ वैकम, इट इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। चूंकि जो बिजनेस होता है वो एक पार्ट ऑफ सोसाइटी होता है, क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोसाइटी के पार्ट लाइक जो एम्प्लॉइज है वो सोसाइटी के ही पार्ट्स है। और इस तरह से जो हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है हम उस सोसाइटी से ही लेते हैं, अर्न करते हैं, सोसाइटी को भी सोसाइटी का भी ग्रोथ होना चाहिए। इस तरह से अगर कोई बिजनेस अगर प्रॉफिट अर्न करता है तो वो उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर में हमने बताया था कि फर्स्ट चैप्टर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? पहला कि सप्लाइंग डिजायर्ड गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, सोसाइटी को जो हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं वो एक रीजनेबल प्राइस पर, कम से कम प्राइस पर जो कि अफोर्डेबल हो सोसाइटी के लिए, उस प्राइस पर हम गुड्स को उनको अवेलेबल कराते हैं। नेक्स्ट चीज़ है फेयर रेमुनरेशन टू एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं उनको एक फेयर, और उनको एक जो अपने सोशल नीड्स को फुलफिल कर सके उतनी सैलरी, उनको उतना रेमुनरेशन प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ करना चाहिए, इम्प्लॉयमेंटेशन करना चाहिए, जिससे कि जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है उनको भी एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो सके। नेक्स्ट जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स है वो है फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स किसी कंपनी में अपना इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो शेयर के रूप में इन्वेस्ट करते हैं, डिवेंचर्स के रूप में इन्वेस्ट करते हैं, या लोन के रूप में कंपनी को देते हैं, इस तरह का अगर कोई भी अगर इन्वेस्टर्स हैं तो उनको उनके इन्वेस्टमेंट पर उनको फेयर रिटर्न देना एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है सोशल वेलफेयर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉफिट अर्न करता है, सर्वाइव करता है, तो उस सोसाइटी में, सोसाइटी के लिए उसको कुछ सोशल वेलफेयर के लिए भी वर्क करना चाहिए, जैसे कुछ एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहिए सोसाइटी को, कुछ एजुकेशनल फैसिलिटीज, कुछ हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहिए, कुछ हेल्थ सैनिटेशन के लिए वर्क करना चाहिए। तो ये सब कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव है जो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को करना रहता है। नेक्स्ट बात करें ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स की, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, बिजनेस इज रन बाय द पीपल एंड फॉर पीपल, जो बिजनेस होता है वो लोगों के द्वारा ही चलता है और लोगों के लिए ही होता है, इसलिए लेबर इज ए वैल्यूएबल ह्यूमन एलिमेंट्स इन बिजनेस, जो लेबर होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो कंपनी में वर्क करते हैं वो कंपनी के लिए या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत वैल्यूएबल होते हैं। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आर कंसर्न विद द वेल बीइंग ऑफ लेबर, दीज ऑब्जेक्टिव्स हेल्प इन अचीविंग द इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, और ये वर्कर्स ही, ये एम्प्लॉयज ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट होना जरूरी है। नेक्स्ट है बिजनेस ऑब्जेक्टिव, बिजनेस ऑब्जेक्टिव में आप देख रहे हैं ये सारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव हैं, जो बिजनेस का गोल होता है उसमें सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट है, पावर है, ग्रोथ है, एम्प्लॉइज सेटिस्फैक्शन एंड डेवलपमेंट, मार्केट लीडरशिप, सर्विस टू सोसाइटी, जॉय ऑफ क्रिएशन, चैलेंजिंग, नेक्स्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स एट रीजनेबल प्राइस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, इफ यू एनी क्वेरी देन यू आस्क एनी क्वेरीज इन गूगल क्लासरूम।